हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फोरल डिसम पर आप सभी का स्वागत है। एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आप नीट यूजी या फिर पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप क्लिक करेंगे यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर तो यहां पर आपको साइड में न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन दिख जाएगा। तो यहां पर वो दो नोटिस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला अपडेट, नोटिस फॉर प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ यूजी 2021 राउंड वन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। आज यानी कि 27 जनवरी 2022 का नोटिस है। यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर यह बताया गया कि फाइनली आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का, मतलब राउंड वन का नीट यूजी के लिए, वो जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट है ये 28 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा। देखिए, आज यानी कि 27 जनवरी 2022 को जो रिजल्ट जारी किया गया है प्रोविजनल रिजल्ट राउंड वन का, अगर आपको उसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आप इस ईमेल आईडी पर, एमसीसी ने जो ईमेल आईडी दिया है, आप इस पर ईमेल कर दीजिए। जो प्रॉब्लम है, जो डिस्क्रिपेंसी है, आप उस ईमेल में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कब तक आप सेंड कर सकते हैं ईमेल? 10 AM ऑफ 28 जनवरी 2022, मतलब 28 जनवरी 2022 सुबह 10 बजे तक आपको ईमेल सेंड कर देना है। आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा अपडेट क्या है? दूसरा अपडेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये है ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट 27 जनवरी 2022, यानी कि आज का यह नोटिस है। अर्जेंट अटेंशन कॉलेजेस, स्पेशली ये जो नोटिस है ये है कॉलेजेस के लिए, लेकिन आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनका जो सर्टिफिकेट है वो, ये यहाँ पर जो पीरियड दिया गया है, इस पीरियड के बीच में इशू किया होना चाहिए, तभी वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसे वैलिड माना जाएगा काउंसलिंग के लिए इस एकेडमिक ईयर यानी कि 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट पीजी काउंसलिंग की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर वन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से 3 फरवरी 2022 के बीच का जो समय है, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इस डेट के बीच में, इससे इसके बीच में इशू किया है, तो आपका वो वैलिड माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नीट यूजी काउंसलिंग की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा, 1 अप्रैल 2020 से 9 फरवरी 2022 के बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर नीट यूजी एंड पीजी काउंसलिंग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नीट यूजी एंड पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।